अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हमारा है थर्ड डे पहलगाम में। अब हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से, जाएंगे कहाँ जाएंगे अपना? सोनमर्ग नहीं, बेताब वैली। हम लोग यहाँ से बेताब वैली जाएंगे, और अगर टाइम मिला तो हम दरगाह भी जाएंगे। तो मैं आपको एक बार व्यू दिखा देती हूँ, आ जाओ फटाफट। ये है हमारा रूम है, माशाल्लाह विंडोज बहुत बड़ी बड़ी है यहाँ पे। इधर भी है और माशाल्लाह ये व्यू सबसे ज्यादा अच्छा है। मैं आप लोगों को दिखा दूँ उधर, ये हमारा बालकनी है। आ जाओ, आओ मैं आपको व्यू दिखाऊं। फिर से ज़ूम कर लो, कितना खूबसूरत है ना माशाल्लाह। पापा ज़ूम कर लो, कितना खूबसूरत है ना, हर चीज दिख रही है। और वहां पे था पहाड़ पे बर्फ है, पर एक्चुअली अभी स्नो आ गया तो नहीं दिख रहा है, वो फॉग आ गया। तो और वहाँ रिवर बह रही है, और ये हमारी बैल्कनी है, हम लोग बैठे यहाँ पे बैठकर। आप लोग चाय वाय भी पी सकते हैं, बट कश्मीर में चाय का इतना ट्रेंड नहीं है, कॉफी वगैरह कॉफी भी नहीं मिलती यहाँ ज्यादा अच्छी। तो ये था हमारा होटल का व्यू माशाल्लाह से, और अब हम निकल रहे हैं यहाँ से। चलो जल्दी जल्दी मिलती है आपको आज। तो ये फ्रेंड्स हम लोग निकल चुके हैं, अब हम लोग जा रहे हैं आरू वैली। हे फ्रेंड्स, तो मैंने सोची थी कि आप लोगों को मैं रास्ते का व्यू दिखा दूं, क्योंकि इतना ही ज़्यादा खूबसूरत था, इतना बेहद इतना खूबसूरत था कि मैं बोल नहीं सकती। तो मैं सोची कि थोड़ा बहुत रास्ता मैं ऐड कर देती हूँ, क्योंकि वो हालांकि बहुत ज़्यादा है मेरे पास रोडवेज के वीडियोस, पर मैंने ऐड नहीं करी क्योंकि फिर बोर हो जाएंगे आप लोग। इसलिए जो जो मुझे ऐसा बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगा है वही मैंने ऐड करी हूँ। और सॉरी वीडियो के लिए जो मैं लेट डाल रही हूँ, क्योंकि मेरे पापा रिकवरी पे है अभी और मेरा पूरा फोकस उन पर ही रहता है, तो इसलिए मैंने काफ़ी टाइम से कोई वीडियो नहीं डाली थी। अदरवाइज़ मुझे बहुत एक्साइटमेंट थी कि मैं कश्मीर का वीडियो फटाफट डालूंगी, बट सडनली पापा का ऐसा हो गया, बाईपास सर्जरी हुआ उनका, तो फिर मुझे मतलब कुछ था ही नहीं, फिर मतलब मेरा दिल ही नहीं हो रहा था कुछ करने का। अभी माशाल्लाह से अभी वो रिकवर हो रहे हैं, तो अब मैंने सोची कि अब मैं अपने यूट्यूब पे जो भी है मेरा कश्मीर के व्लॉग्स पेंडिंग है, और भी बहुत से व्लॉग्स हैं मेरे, अब मैं वो डालना शुरू करूँ। फ्रेंड्स, तो अभी हम लोग पहुँच गए आरू वैली, और मैं आरू वैली का आपको व्यू दिखा देती हूँ। सब जगह ग्रीनरी है, मैं दिखाती हूँ आपको। यहाँ पे है देखो, ये सब ये आरू वैली है। बारिश हो गई ना, इसलिए पूरा घान हो गया, कीचड़ हो गया है, और यहाँ कभी भी कुछ भी मौसम बनता है तो कुछ बोल ही नहीं सकते हम। ये देखो माशाल्लाह, बहुत प्यारा व्यू है। यहाँ पे हम लोग को एक घंटे का टाइम दिया है गाड़ी वाले ने, एक घंटे के ऊपर अगर एक मिनट भी पड़ता है, दो मिनट भी पड़ता है, तो 400 रुपीज़ चार्जेस होता है। तो एक घंटे में हम लोग घर के निकल जाएंगे फ़ोटोशूट वगैरह है। बहुत खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत है, पहाड़ों के बीचों बीच में। देखिए बहुत बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा व्यू है। और यहाँ ये लोग के फोटो शूट चल रहे दोनों के। चलो भागो मत, गिरोगे। लगा लिया, छोटा बच्चा तो दो, आराम से। पापा मैं अच्छी बाइक करी। एक वीडियो बना हमारे फोन में, ये बच्चे तो ऊपर ना वीडियो ही बना रहा हूं। आरू वैली घूमने के बाद फिर अब हम लोग जा रहे हैं चंदनवाड़ी, क्योंकि बारिश का मौसम बना हुआ है और यहाँ मई में भी बारिश होती है, क्योंकि वही सीज़न होता है उनका बारिश का, वहाँ जून जुलाई में बारिश नहीं होती है।
तो हमको हर जगह बारिश मिल रही थी और आज बहुत ज़्यादा ही मौसम ऐसा था यहाँ बारिश का कि बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो फिर हम लोग इसके लिए हम लोग चंदनवाड़ी निकल चुके थे और रास्ते बहुत प्यारे हैं, बहुत खूबसूरत है। वाकई में कश्मीर बहुत खूबसूरत है, एक बार तो भी जाइएगा घूमने के लिए। और मैं भी आपको बता दूँ, आरू वैली में फ्रेंड्स ऐसा है ना, मतलब इतनी खूबसूरत वादियाँ है आसपास और उसके बीचों बीच वो एक ऐसा लैंड है, मतलब घूमने का मतलब कुछ अलग ही है, जैसे इमेजिन नहीं कर सकते। वैली, उसके आसपास सारी वैलियाँ है, वैली है मतलब, सॉरी वैलियाँ नहीं, सॉरी वैली है, पर कैसा ना बहुत खूबसूरत है। आसपास पूरा ऐसा हाउस है, स्विट्जरलैंड वाली फीलिंग आती है। हे फ्रेंड्स, मैं आई हूँ अभी चंदनवाड़ी वैली पे और यहाँ बहुत गंदी बारिश हो रही है, तो देखने का मज़ा खिलखिला हो गया। और वहाँ आके बर्फ है और वहाँ पहुँचते पहुँचते हालत ख़राब होने वाली। मैं अभी से एकदम ठंड से ही हो गई हूँ, मैं दिखाती हूँ आपको, वहाँ सारी बर्फ़ ही बर्फ़ है। वहाँ जाना है हमें, पर बहुत बारिश हो रही है अचानक से। ये इसके पापा और उम्मू आ रहे हैं यहाँ पे, देखो कैसे दिख रहे लोग। हम लोग ने रेंटेड ये लिए विंड शीटर, क्योंकि बारिश भी हो रही है और ठंड भी लग रही है, बहुत हालत ख़राब हो गई है। जवाब, मेरे हाथ एकदम सुन हो गए हो, ठंडा है। ए फ्रेंड्स, तो हम लोग ऊपर तक आए पर इतनी ठंड है कि हम लोग बिल्कुल आगे नहीं जाएंगे, हमारी हालत ख़राब हो गई है और मैं बच्चों को लेके भागूंगी यहाँ से, मैं नहीं रह सकती बर्फ़ में, आई कांट रेजिस्ट नाउ। चलो, तो ये मैं आप लोगों को सिर्फ दिखाने के लिए ले रही हूँ क्योंकि बहुत बारिश हो रही है, मेरे फोन में ही पानी जाएगा, तो सिर्फ मैं आपको दिखा रही हूँ। ऐसा है ये, इसको बोलते हैं चंदनवाड़ी वैली। बस इससे ज़्यादा मैं शूट नहीं कर रही हूँ, मेरे हाथ बहुत जम रहे हैं। बहुत ठंडी लग रही है ना। फाइनली हम लोग गाड़ी में बैठ चुके हैं और ये बर्फ में बहुत ज्यादा ठंडी थी, हम लोग मैनेज नहीं कर पाए थे और बारिश भी बहुत ज्यादा तेज हो रही थी। हम लोग का कुछ मसला था, मसला बोले ये अल्लाह ताला ने बारिश दे दी क्योंकि उधर बहुत फिसलू था, हम लोग जा नहीं पाए थे, फिसल रहे थे लोग। तो अभी आगे का भाई बोलते हैं। हाँ तो गाइस, हम लोग के मुँह से और नाक से भी धुआं निकल रहा था, बहुत मज़ा ही मेरे को तो, पर ऊपर जाने नहीं मिला, मेरे तो हाथ पैर सुन हो गए। हाथ तो ठीक हो गए, पैर नहीं। जूते निकाल लो क्या? नहीं, रहने दे, अभी कुछ मत निकाल। तो हम लोग गाड़ी में पहुंच गए, जैसे वैसे बैठ गए, अब निकल रहे हैं यहाँ से क्योंकि बारिश की वजह से कुछ भी नहीं हुआ, हम लोग का ऊपर जाना नहीं हुआ। अभी हम लोग दूसरी वैली को किधर जा रहे हैं, अभी अपन के पास बेताब वैली, अभी हम लोग बेताब वैली जा रहे हैं, देखते हैं वहाँ क्या मंजर है। अगर वहाँ भी बारिश ऐसी रही तो देखते हैं क्या करना है। हे फ्रेंड्स, तो मैं आपको बता दूँ, चंदनवाड़ी बेताब वैली, सॉरी बेताब वैली, चंदनवाड़ी वैली, आरू वैली, ये सारी चीज़ें पहलगाम में हैं और माशाल्लाह पहलगाम बहुत ही खूबसूरत है, असल कश्मीर पहलगाम है। आप यहाँ कभी विज़िट किए या फ्यूचर में कभी आप विज़िट करोगे पहलगाम में तो ज़्यादा दिन रुकना। और ये सारी वैली का मतलब चंदनवाड़ी पे ऐसा था कि मई के और अप्रैल मई के टाइम पे वहाँ बर्फ़ रहती है, तो इसलिए हम लोग वो हिसाब से वहाँ गए थे, बट बारिश की वजह से हम इतने फिसल रहे थे कि हम लोग ज़्यादा ऊपर चढ़ नहीं पाए और बहुत ठंड लग रही थी, इसके लिए हम लोग वहाँ से निकल गए, थोड़ा ही विज़िट किए और फिर वहाँ से हम लोग निकल गए, क्योंकि वहाँ एक पानी भी बह रहा था खड्डे में से, तो मुझे और डर लग रहा था। हे फ्रेंड्स, बेताब वैली पहुँच चुके हैं हम लोग और अभी तो अभी एंट्री कर रहे हैं, मैं आपको दिखाती हूँ, है तो बहुत खूबसूरत पर बारिश की वजह से थोड़ा सा मूड ऑफ हो गया था, पर कोई बात नहीं, घूमने आए तो थोड़ा बहुत तो चलता है, तो मैं दिखाती हूँ आपको भी। कितना प्यारा बर्ड है, बारिश से परेशान।
दोनों इतने हो भाई। क्या बेताब पे चली छुट गई थी क्या यहाँ पे, तभी से हम बेताब पड़ गया क्या? ओए भाई बस हो गया बेताब वाली। तो है फ्रेंड्स, यहाँ बेताब पिक्चर की शूटिंग हुई थी। आओ तुम लोग, अरे छतरी में तुम लोग के लिए लिए रहे, तुम लोग नहीं ले रहे, संभाल के आए यहाँ पर। हे फ्रेंड्स, अचानक बेताब वैली पे बहुत तेज़ बारिश होने लगी थी, तो हम लोग ज़्यादा आगे नहीं जा पाए क्योंकि लोग वहाँ फिसल भी रहता है, सब मना कर रहता है, तो हम लोग आगे नहीं गए, इसलिए मैं कुछ भी व्यू कैप्चर नहीं कर पाई। हे फ्रेंड्स, ये हमारे होटल की लॉबी है नीचे, तो यहाँ हम लोग खाना खा के थोड़ा सा बैठ रहे, रेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे, फिर बाद में रूम में जाएंगे। माशाल्लाह से बहुत अच्छा होटल है हमारा, होटल एशियन पार्क में, सजेस्ट करूँगी आपको ज़रूर लेना कश्मीर आओगे जब। तो आपको एक सजेशन दूंगी, जब भी कश्मीर आओगे या श्रीनगर आओगे तो होटल एशियन पार्क में ही लेना, क्योंकि सब खाना वगैरह अच्छा है और हाइजीनिक है, बहुत क्लीन है होटल। क्योंकि हम लोग जब बुकिंग कर रहे थे ना, तो ये बहुत कंफ्यूजन हो रहा था हम लोगों को, क्योंकि क्लीनलीनेस ज़्यादा ज़रूरी है। तो हाइजीनिक के मामले में तो मैं इसको 5 रेटिंग दूँगी, बहुत सफाई है, रूम भी एकदम साफ है और ये होटल वाकई में अच्छा है। तो किसी को आना रहेगा तो श्रीनगर आओगे तो होटल एशियन पार्क लेना।